कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी को पितृ इंद्रा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें तथा उन्नति प्रगति को प्राप्त करते रहें। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पितृ इंद्रा एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर 2023 सोमवार को दोपहर 12:37 से हो जाएगा, जो कि 10 अक्टूबर 2023 को मंगलवार के दिन 3:09 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त हरिवासर शुद्ध एकादशी 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन व्रत रखना है। व्रत का पारणा आपको 11 अक्टूबर 2023 की सुबह 6:38 से 8:38 के बीच में कर लेना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे शतपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, दान करना, भोजन कराना, गौ माता की रक्षा व सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार कराने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष व दूसरी शुक्ल पक्ष, दोनों में ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पितृ इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधिगति से मुक्त देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में माहिष्मति नाम की एक नगरी थी। उसमें इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न था और विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशलता पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र,
यदि तुम आश्विन कृष्ण पितृपक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें, फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें, फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्रद्धा श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मण को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दें, गौ माता को दें, तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह पितृ इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।